रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता देते हैं। मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट, तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारी बारिश से 17 सड़कें बंद हो गई हैं। ये बड़ी खबर, 17 सड़कें बंद हो गई हैं, 13 पेयजल योजनाएं अभी ठप पड़ी हुई हैं जो मौसम अभी बना हुआ है। और विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ विकास, फिलहाल भारी बारिश और खराब मौसम के चलते काफी नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि इन दिनों जो मॉनसून चल रहा है उसके सक्रिय होने के बाद इस तरह से दिक्कतें जो है वो बढ़ सकती हैं, जिसको लेकर लगातार राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाया जा रहा है। अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, आज तक की अगर बात करें तो येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया, लेकिन कल से सक्रियता और मॉनसून की बढ़ने वाली है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ये कहा गया है मौसम विभाग के अलर्ट में, साफ तौर पर जो बुलेटिन जारी किया जाता है उसके अंदर कहा गया है कि इन दिनों विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम रहेगी, जिसके बाद सड़कों पर धुंध छाए होने के बाद जो दुर्घटनाएं हैं वाहनों की वो हो सकते हैं, तो ऐसे में जरूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। दूसरा, जो भूस्खलन की परिस्थितियां हैं वो लगातार बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारी बारिश के बाद अमूमन हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की तस्वीरें जो है वो सामने आती है, जिससे कई बार जानी नुकसान तक हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। इसके बाद जो नदी नाले हैं उनका जलस्तर बढ़ सकता है, और नदी नालों के जलस्तर बढ़ने के बाद जो उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको उचित दूरी बनाने के लिए जो है यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है। तो तमाम ये चीजें जो है वो रह रही हैं, और अब आने वाले दिनों में भी अब इसी तरह से मौसम बना रहेगा और इसमें जो नुकसान है वो कम से कम हो, इसके लिए ये अलर्ट जो है वो यहाँ पर जारी किया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट, 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है, और कल से मौसम और खराब होने के चलते फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बारिश के कारण भूस्खलन की भी संभावनाएं जो है वो जगह जगह बनी हुई है, और कई जगह पर मार्ग जो अवरुद्ध है। 29 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। ये बड़ी खबर, आवश्यक सेवाएं काफी ज्यादा बाधित जो है वो हो सकती है। और कमलेश बोध संवाददाता मनाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, आपके यहाँ पर कैसा मौसम बना हुआ है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि कल से? और देखिए अंजलि, जिस तरह से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, आज येलो अलर्ट है और कल और परसों ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो ऐसे में जो है जितने भी जो लोकल प्रशासन हो या राज्य सरकार द्वारा जो है पहले से अलर्ट जारी किया है कि जितने भी जो नदी नाले की ओर रुख ना करें लोग, साथ ही साथ जो ऊंचाई वाले इलाके की तरफ रुख ना करें, क्योंकि एकाएक अंजलि जिस तरह से जो तेज बारिश हो रही है, और मौसम विभाग ने भी कहा, जो पूर्वानुमान उनका यही है कि जो आगे जो 2-3 दिन जो है तेज बारिश होगी इस बीच में, तो ऐसे में हिदायतें दी जा रही है स्थानीय प्रशासन द्वारा भी, पुलिस द्वारा भी। तो अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी जो है मनाली में हल्की सी धूप खिली है, लेकिन जिस तरह बरसात के दिन चल रहे हैं तो एकाएक जो है मौसम 1-2 घंटे में बदल जाता है। कल भी हमने देखा था कि सुबह 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 के समय अच्छी खासी धूप निकली थी, लेकिन दोपहर होते होते अंजलि एकदम तेज बारिश शुरू हो गई थी। तो ऐसे में प्रदेशवासियों को 2-3 दिन जो आने वाले हैं बेहद ही चौकन्ना रहने की जरूरत है, ताकि जो है जिस तरह की जो घटनाएं जो पीछे हमने देखी थी, जो लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही है, तो जो है लोगों को भी कहीं ना कहीं, खासकर जो सैलानी, जितने भी जो सैलानी घूमने आ रहे हैं उन्हें भी जो है होटल व्यवसायी की ओर से चाहे टैक्सी वालों की ओर से जो है यही कहा गया है प्रशासन द्वारा कि इन्हें जो है ऐसे स्थानों की ओर जाने पे इन्हें जो रोका जाए जहाँ पे जो है लैंडस्लाइड की ज्यादा संभावना होती है। अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश बोध इस तमाम जानकारी के लिए। और नीतीश हमारे साथ चंबा से जुड़ गए हैं। नीतीश, फिलहाल चंबा में मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर चुका है, कल से मौसम एक बार फिर खराब होने जा रहा है? नीतीश, मौसम कैसा बना हुआ है चंबा में? और चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, फिलहाल कोशिश करें दोबारा संपर्क करने की। तो बता दें आपको कि भारी बारिश से 17 सड़कें जो हैं वो बंद हो गई हैं, और कई पेयजल योजनाएं हैं वो भी काफी हद तक प्रभावित हुई हैं। 13 पेयजल योजनाएं बताई जा रही हैं जो कि ठप हुई हैं। ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है मौसम विभाग द्वारा खराब मौसम को लेकर। चलिए।